सेकेंड पार्ट हमें क्वेश्चन है, देयर इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4 मीटर एंड हैविंग एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड इन क्लॉकवाइज सेंस ऑन ए प्लैंक. व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक फॉर प्योर रोलिंग ऑफ स्फीयर ऑन प्लैंक इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर. v इक्वल टू हमें दे दिया स्टार्टिंग में, v इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में v इक्वल टू दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड इन राइट डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में v दे दिया तो हमें वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बताना है. निकालना है क्या हमें, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक. तो फर्स्ट पार्ट में v इक्वल टू हमें दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड राइट में, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगी, r ओमेगा इक्वल टू प्योर रोलिंग में r ओमेगा इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में हो गया. तो हमारे पास प्लैंक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या होगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड इन राइट. ओके सेकेंड पार्ट में v इक्वल टू हमें दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में. इधर क्या दे दिया हमें वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड, अब की बार लेफ्ट में दे दिया और r ओमेगा भी इधर है तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगी वो हमें बताना है. तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगी हमारे पास, इस साइड में है हमारे पास तो इस साइड क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हमारे पास हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ प्लैंक 50 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या हो जाएगी हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट. ओके तो दैट इज द आंसर.